की मदद से ला सकते हैं। रास्ते बहुत हैं, पैसा ये लाना है 110 लाख करोड़। फिर आप बोलेंगे इसका करना क्या है, करना क्या है, देश का विकास करना है जो नहीं हुआ 62 साल। तो 110 लाख करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं। हिंदुस्तान में 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में 100-100 उद्योग हम लगाएं, 100 उद्योग हर गांव में, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 उद्योग हर गांव में लगाएं, तो मात्र 10 लाख करोड़ का खर्च होगा। और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। आप बोलेंगे कौन कौन से 100 उद्योग, हमारे भारत में 2 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होता है, जहां कपास पैदा होता है वहां सूत बन सकता है, जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्त्र बन सकता है। तो खादी वस्त्र निर्माण का उद्योग हर देश के, माने भारत देश के 2 लाख गांव में चल सकता है, और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीद कर उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी भारत में 1% लोग खादी खरीदते हैं, अगर 100% लोग खादी खरीदे तो 2 लाख गांव में बनने वाली सारी खादी बिक जाएगी और 15 करोड़ भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाएगा। आप बोलेंगे हम खादी क्यों खरीदे, खादी इसलिए खरीदिए कि उसका उत्पादन करने वाला शेतकरी जो कपास उत्पन्न करता, खादी इसलिए खरीदिए कि कपास उत्पन्न होने से सूत बनता है, सूत बनने से कपड़ा बनता है, वो कपड़ा आप खरीदेंगे तो पैसा किसी शेतकरी के घर में जाता है। आप ये मानते हैं कि विदर्भ के शेतकरी आत्महत्या ना करें तो उसका एक ही रास्ता है कि आप खादी खरीदें, क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है और कपास पैदा करने वाला ही शेतकरी सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है, क्योंकि कपास का भाव नहीं मिलता। भाव क्यों नहीं मिलता, क्योंकि कपास के बने हुए खादी की बिक्री नहीं है। और बिक्री क्यों नहीं है, क्योंकि आप टेरेलिन, टेरिकॉट, शिफॉन, जॉर्जेट पहनते, ये टेरेलिन, टेरिकॉट, शिफॉन और जॉर्जेट आप खरीदेंगे, सारा पैसा धीरूभाई अंबानी के खाते में जाता है। करोड़पति को 10 करोड़पति आप बना रहे हैं, 10 करोड़पति को अबजपति बना रहे हैं, क्या आप सेवा कर रहे हैं देश की। कोई भी सिंथेटिक कपड़ा आप खरीद रहे हैं, पैसा अंबानी बंधुओं को ही मिलेगा, और अंबानी बंधुओं की 1 मिनट की इनकम 20,000 रुपए है, आप उस 20,000 को और 30,000 बना रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं देश। जो भूखा मर रहा है शेतकरी, उसकी सेवा करिए, उसके घर में पैसा दीजिए, और उसकी सेवा करने का एक ही रास्ता आपके पास है कि आप खादी खरीदिए। और खादी इसलिए खरीदिए कि खादी महात्मा गांधी ने पहनी, खादी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहनी, खादी इस देश में भगत सिंह ने पहनी, खादी इस देश में चंद्रशेखर आजाद ने पहनी, खादी इस देश के क्रांतिकारियों का कपड़ा है, खादी इस देश के क्रांतिवीरों का कपड़ा है। मैंने एक दिन सोचा कि एक एक दो दो कपड़े भी खादी के खरीदने लगे हम, हमारी तौलिया, हमारा रूमाल, हमारा एक कुर्ता, एक पजामा, ऐसे थोड़े थोड़े कपड़े खरीदने लगे तो करोड़ों मीटर खादी बिक सकती है इस देश और 2 लाख गांव में उद्योगों की स्थापना हो सकती है। दूसरा एक उद्योग इस देश में